जामा मस्जिद के छज्जे पर चढ़कर भगवा झंडा लहराने वालों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने चार को पकड़ा। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान बृहस्पतिवार शाम चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद के छज्जे पर खड़ा होकर भगवा झंडा लहराने के मामले में गोविंद नगर पुलिस ने चार युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, वहीं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। उधर चौक बाजार मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीते दिन की घटना के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, हालांकि पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। पुलिस पीएसी और आरएएफ के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद नजर आए। डी गेट चौकी पर आईजी और एसएसपी कैंप लगाए रहे और पल पल की जानकारी लेते रहे। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा जब चौक बाजार में स्थित जामा मस्जिद के सामने पहुंची तो यात्रा में शामिल तीन युवक जामा मस्जिद के छज्जे पर चढ़ गए और भगवा झंडा लहराने लगे। बृहस्पतिवार देर रात पहचान के बाद पुलिस ने तीन युवकों को उनके घरों से उठाया। इनके सहित गोविंद नगर पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पहचान होने पर अन्य युवकों को पकड़ने की भी बात कही गई है। रमजान के दूसरे दिन जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी तरह चौकसी दिखी। चौकसी बाजार की जामा मस्जिद और पर पुलिस और प्रशासन के अफसर निगाह बनाए रहे। वहीं पुलिस पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया। चौक बाजार में एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह अपने अधीनस्थों के संग मुस्तैद रहे। दोपहर 2:30 बजे के बाद कुछ युवकों ने जामा मस्जिद के मुख्य गेट पर आकर नारेबाजी की। पुलिस ने लाठी फटकारी तो भाग खड़े हुए। डी गेट पर आईजी आगरा जोन दीपक कुमार और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे डेरा डाले रहे। वे यहां से चौक बाजार और ईदगाह पर हर गतिविधि पर नजर बनाए रहे। रामनवमी के दिन जामा मस्जिद के छज्जे पर चढ़कर भगवा लहराने के अगले दिन मस्जिद के आसपास दुकानें और रहने वाले लोगों ने आपसी सौहार्द और भाईचारा दिखाया। बिना किसी तनाव के रोज की तरह आपस में बतियाते दिखे। इन लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वर्षों से हम भाईचारा बनाए हुए हैं, इसमें कोई दरार नहीं डाल सकता। कुछ युवकों ने भले ही गलत किया हो लेकिन इसका हमारी दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है और हम एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे।